हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग दो, तृतीय पाठ, पाठ तीन, सूक्तय। सूक्ति क्या होती है? गुड सेंग्स, अच्छे वाक्य जो कहे जाते हैं वो संस्कृत में। आज आप जानेंगे कि सूक्ति क्या होती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सूक्ति क्या होती है। सबसे पहले हमारी देखो ये अध्यापिका, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे सब बच्चे बैठे हुए हैं, अध्यापिका बच्चों को बता रही हैं। सबसे पहले सूक्ति क्या है बच्चों? हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। इसका क्या अर्थ है कि हितकारी यानी कि भलाई करने वाले और मन को अच्छे लगने वाले वचन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वरना हर तरफ क्या होता है, बुरी ही बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये क्या है? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से ही मिलते हैं। अर्थात ऐसी बातें बहुत मुश्किल से हमें मिल पाती हैं जो हमारे लिए अच्छी लगने वाली हों, हितकारी हों और हमारे मन को भी जो अच्छी लगे। तो पहली सूक्ति आपने जानी, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। आपको ये सूक्ति याद करनी है बच्चों। अब हम नेक्स्ट सूक्ति की तरफ चलते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी। क्या अर्थ है इसका? कि परिश्रम करने वाले यानी कि मेहनत करने वाले सिंह रूपी मनुष्य के पास लक्ष्मी यानी कि धन हमेशा निवास स्वयं चलकर आती है, स्वयं चले जाती है। जो परिश्रम करते हैं उनके पास लक्ष्मी अपने आप स्वयं चलकर चली जाती है। उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, ठीक है। अब नेक्स्ट सूक्ति की तरफ चलते हैं। महाजनाम येन गतः स पंथा, महागता महाजनाम येन गतः स पंथा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं वो मार्ग, वही मार्ग क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, वही मार्ग अच्छा होता है। हम उन्हीं का तो अनुसरण करते हैं। जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं, अच्छे लोग जाते हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं कि अरे इस मार्ग पर ये रास्ता उन्होंने अपनाया। मार्ग पर चलने से ये मतलब नहीं है कि वो रास्ते पर चलने का, उन्होंने जो जो बातें करी हम उन्हीं बातों को अपनाते हैं अपने जीवन में और हम कहते हैं ये महापुरुषों के द्वारा कही हुई बातें हैं और जो वो कार्य करते हैं वही कार्य श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं। इसलिए हमेशा महापुरुषों की बातों का ही अनुसरण करना चाहिए। क्या है इसका? महाजना येन गता सह पंथा, ठीक है। नेक्स्ट सूक्ति पर हम चलते हैं बच्चों। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? उदार चरित्र वालों का, यानी कि जो लोग अच्छे चरित्र वाले के, यानी कि जो लोग सज्जन होते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, उनके लिए तो सारी धरती ही उनका कुटुंब है, उनका परिवार है। वो ये नहीं कहते कि बस मेरा परिवार मेरे तक ही सीमित है, वो कहते हैं अरे सभी प्राणी हमारा कुटुंब है, सब धरती पर रहने वाले सभी व्यक्ति हमारे कुटुंब है। तो इस प्रकार आपने देखा जिनका स्वभाव, जिनका चरित्र जो सज्जन होते हैं, वो कहते हैं कि सारा पर धरती पर रहने वाले हर लोग ही हमारा परिवार है। नेक्स्ट सूक्ति है बच्चों, परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार इसका अर्थ क्या हुआ? परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को सताना क्या होता है? वो पाप के लिए होता है। अगर हम किसी के भला करेंगे तो वो क्या होगा? पुण्य होगा। और किसी के साथ हम सताएंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो पाप होता है। अर्थात परोपकार से ही व्यक्ति को पुण्य मिलता है और दूसरों को सताने से क्या मिलता है? पाप मिलता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमसे जितना हो सके हम किसी का भला कर सके। आप ये मत देखिए कि कौन देख रहा है और इसको करने से क्या हो जाएगा, ये तो जब होगा, अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो आपको पता चलेगा, ये बाद में इसका फल मिलता है। तो शुरू से ही ऐसी आदत बनाइए कि हम किसी के कुछ काम आ सकें, हम किसी का भला कर सके। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने देखा कि सूक्ति बताई, और देखो और सूक्ति बताते हैं। विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या क्या देती है? विनय देती है, विनम्रता देती है। जब आप पढ़ लिख जाते हो ना, पढ़ाई लिखाई कभी ये नहीं बताती कि हम
घमंड करने लगे या हमें अभिमान आ जाए। विद्या हमेशा ये सिखाती है, जितना जितना हमें ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, हमें ज्ञान ये बताता है कि हम विनम्र हो जाएं, हम विनम्र बन कर रहें। ठीक है ना बच्चों? धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हमेशा अपने धर्म की रक्षा करिए, ये सोचिए कि धर्म ही हमारा सब कुछ है। आप जिस भी धर्म में हैं उसको, वैसे तो सभी धर्म समान होते हैं, किसी के धर्म को बुरा मत कहिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, लेकिन जिस धर्म में आप हैं आप उसकी रक्षा करोगे तो धर्म हमेशा आपकी रक्षा करेगा। नेक्स्ट सूक्ति है बच्चों, षठे शाठ्यम समाचरेत, यानी कि जो मक्कार है, जो धूर्त है, उसके साथ धूर्तता का ही व्यवहार करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने भी कहा कि छल को छल से ही जीतना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने कहा कि तुम सबके साथ दुष्टता करो। जो आपके साथ बहुत दुष्टपूर्ण व्यवहार कर रहा है, उसका उसको आपको दुष्टता के साथ ही, धूर्तता के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। इसमें क्या कहा गया है कि परिश्रम के द्वारा ही, मेहनत करने के द्वारा ही सभी काम संपन्न होते हैं। बिना मेहनत के कोई भी काम संपन्न नहीं होता। केवल हम मन से सोच लें, अपने विचार बना लें, अरे आज हमें वहाँ जाना है, और हमारा बस बैठे बैठे सोच लें वहाँ जाना है, और जाना गए नहीं आप, तो आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, वहाँ काम भी करना पड़ेगा। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। काम परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं, केवल सोचने मात्र से नहीं होते कि अरे कर लेंगे हम। और कभी भी काम को कल पर बच्चों टालना नहीं चाहिए, हमेशा जो काम मन में आया है उसको तुरंत कर डालना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखी बच्चों, ये सूक्तियाँ हैं, ये अच्छे विचार हैं। और देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्य महान रिपु। इसमें क्या कहा गया है, जो हम अपने शरीर में आलस करते हैं, जो हमारे शरीर का आलस है, ये हमारे शरीर का महान शत्रु है। सबसे ज़्यादा महान जो शत्रु हमारा कौन है, जब हम आलस करने लगते हैं, अरे नहीं ये हम काम नहीं करते, अरे छोड़ दो हो जाएगा ना, वो कर लेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये हमारे शरीर पर जो आलस जो हावी हो जाता है, उसे हम कभी भी यह नहीं आने देना है, उसको हावी नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे शरीर का शत्रु कौन है, आलस है। दूसरा है वीर भोग्या वसुंधरा। क्या है, हम जो वीर होते हैं वो ही इस धरती का उपयोग करते हैं, यानी कि वो ही राजा बनते हैं, वो ही अच्छे लोग बनते हैं, जो इस धरती पर आने पर इसका सदुपयोग करते हैं, अच्छा उपयोग करते हैं। ये नहीं कि अब हमने अब जन्म ले लिया है मनुष्य के रूप में तो हम ऐसे कार्य करें, बुरे कार्य करें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जब आप अच्छा कार्य करोगे तभी आपको कोई उपाधि, जैसे राजा या कोई आप नायक बन जाएंगे, कुछ भी अच्छा कार्य करेंगे तो आप अच्छे ही व्यक्ति बनेंगे, आप वही वीर पुरुष ही राजा बनकर धरती का उपयोग कर सकता है। क्या हो गया, वीर भोग्या वसुंधरा। नेक्स्ट है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब हमारा सत्यानाश होने वाला होता है, विनाश होने वाला होता है, जब हमारा कुछ बुरा समय आने वाला होता है, तो हमारी बुद्धि जो है बिल्कुल विपरीत चली जाती है, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार आपने कहते हुए सुना होगा बड़ों से कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन अगर जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, परंतु हमारी बुद्धि भी विपरीत चली जाती है। लेकिन अपना प्रयास करना चाहिए कि हम बुद्धि का सदुपयोग कर लें, पर ऐसा अधिकतर ही होता है कि जब विनाश होना होता है तो हमारी बुद्धि विपरीत यानी कि बिल्कुल बदल जाती है, और हम उस काम को करने लग जाते हैं, क्योंकि कभी लालच में करने लग जाते हैं। कोई हमें लालच देता है तो हमारी बुद्धि, अरे ये काम है, अरे ये तो कह रहा है बहुत आसानी से हो जाएगा ये वाला काम, अरे हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब हमारा विनाश होना निश्चित है, हम बिल्कुल पतन में हो जाएंगे, हम बिल्कुल गिर जाएंगे, हमारा बुरा हो जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि विपरीत अवस्था में जा रही है। अब बच्चों, पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे उदार चरिता नाम, यानी कि उदार चरित्र वालों का, यानी कि सज्जन लोगों का। वसुधा पृथ्वी। कुटुंबकम क्या है, परिवार। कुटुंब बोलते हैं परिवार को। पुण्याय पुण्य के लिए, पापाय
पाप के लिए। परपीडनम क्या होता है? दूसरों को सताना। हितम माने हितकारी, मनोहारी सुंदर या मन को अच्छा लगने वाले। दुर्लभम माने मुश्किल से मिलने वाला, बहुत मुश्किल से, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। उद्योगिनम क्या होता है? परिश्रमी यानी कि मेहनती लोगों को, महाजनों महापुरुषों को। पंथा क्या है? अच्छे मार्ग। आलस्यम क्या है? आलस्य। शरीरस्थ माने शरीर में स्थित, शरीर में मौजूद। महारिपु माने महाशत्रु, हमारा दुश्मन। वीर भोग्या, वीरों के भोगने योग्य। विनाश काले यानी कि विनाश के समय में। विपरीत बुद्धि यानी कि उल्टी बुद्धि। विनयम विनय। रक्षति रक्षा करता है। रक्षित है रक्षा किया गया। छठे शाठ्यम समाचरेत यानी कि धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। उद्यमेन माने परिश्रम के द्वारा, और मनोरथई माने मनोरथ के द्वारा यानी कि मन की इच्छाओं के द्वारा। तो आपने बच्चों जाना पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कार्य करते हैं। पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, कह पुण्याय भवति, पुण्य के लिए क्या होता है? परोपकार है, पुण्याय है। परोपकार पुण्य के लिए होता है ना, पुण्याय भवति, परोपकार पुण्य के लिए होता है। विपरीत बुद्धि कदा भवति, विपरीत बुद्धि हमारी कब हो जाती है? विनाश काले। विपरीत बुद्धि विद्या किम ददाती, विद्या क्या देती है? विद्या विनयम ददाती। उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, उद्यम से क्या सिद्ध होते हैं? परिश्रम से। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्याणि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं। दूसरी हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, डैश पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। धर्मो रक्षति रक्षतः। षठे शाठ्यम समाचरेत। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, निम्नलिखित जो विकल्प दिए हुए हैं उन उत्तर में से सही उत्तर चुनकर हमको सही उत्तर पर निशान लगाना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है? उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति, लक्ष्मी या कि सरस्वती या पार्वती? क्या? लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष के पास ही तो लक्ष्मी स्वयं चली जाती है ना। विद्या ददाती धनम, विनयम या ज्ञानम? राइट, विनयम। नेक्स्ट है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्य महान मित्रम या रिपु या वैरी? क्या है? रिपु। ये हमें एक्सरसाइज नंबर 4 है, वाक्य बनाने हैं। वाक्य बहुत छोटे छोटे बना सकते हैं आप, छोटा है। जैसे वसुधैव है, वसुधैव ही कुटुंबकम, नेक्स्ट है दुर्लभम हितकारी मनोहारी च दुर्लभम वच, च दुर्लभम वच महाजनों, महाजनों येन गता सपंथा। वसुंधरा, कुछ भी बना सकते हो आप,
जरूरी नहीं है कि आपको पाठ में आया हुआ ही कुछ बनाने, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए। वसुंधरा अस्माकम जननी अस्ति, वसुंधरा हमारी जननी है, हमारी माँ है। ये रचनात्मक कार्य है बच्चों, एक्टिविटी है। कुछ महापुरुषों की सूक्तियाँ जो पाठ में दी हुई हैं, और भी बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो और अपने अध्यापक को, अपने टीचर को उनको लिखकर दिखाओ। ये सूक्तियाँ हैं, ये लिखो, उनका अर्थ लिखो। और ये वाली भी सूक्तियाँ हो सकती हैं, या इनसे अलग भी और सूक्तियाँ हो सकती हैं, उनको याद भी करो। इससे आपको हमेशा सूक्तियाँ अच्छी, गुड सेइंग, इनको बोलते हैं सूक्ति को गुड सेइंग, ये आपको हमेशा याद रहेंगी और आप इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने गुड सेइंग यानी कि सूक्तियाँ पढ़ी बच्चों, उनके बारे में जाना कैसे सूक्तियाँ होती हैं, आप भी अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए आभार।